महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से 10वीं के नतीजे ऑनलाइन तरीके से घोषित हुए हैं। इसमें नागपुर विभाग का नतीजा महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर है। इस वर्ष नागपुर के 1,360,000 बच्चे 10वीं की परीक्षा में सहभागी हुए थे, उनमें से 1,49,000 बच्चे पास हुए हैं। नागपुर विभाग का 10वीं का नतीजा 97% लगा है। इस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी है, ऐसी जानकारी अध्यक्ष नागपुर मंडल बोर्ड चिंतामन वंजारी ने दी। यहाँ पे यानी नागपुर विभाग का जो रिजल्ट लगा है महाराष्ट्र में चौथे नंबर का लग गया है। ओवरऑल रिजल्ट है 97% लगा है। कुल नागपुर विभाग में 1,55,360 बच्चे प्रविष्ट हुए थे, उनमें से 1,49,133 बच्चे पास हुए हैं, यानी ओवरऑल 97% बच्चे पास हुए। और जो रहा कि ओवरऑल रिजल्ट लड़कियों ने यानी यह साल भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लड़कियों ने 98.18% रिजल्ट में पास हुए हैं और लड़के 95.88% पास हुए हैं। अपने विभाग में जो नक्सलाइज है और दुर्गम भाग है यानी कि गढ़चिरौली जिला है, गढ़चिरौली जिले में 14,542 विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे, उनमें से 13,509 बच्चे परीक्षा में पास हुए हैं। ओवरऑल रिजल्ट 95% ऐसा लगा है। नागपुर विभाग में सबसे कम रिजल्ट गढ़चिरौली जिले का लगा है। अभी तो कारण की मीमांसा किया जाए तो जो परसेंट है, पासिंग परसेंट है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, कम ज़्यादा तो होना ही है। 95.62% यानी मुझे बहुत ही अच्छा है, यानी ज़्यादा फर्क नहीं है, 97 नियर है।